हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू शून्य। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप शून्य ईएक्सी से बास्केट यानी बल्क ऑर्डर लगा सकते हो और साथ ही पेंडिंग ऑर्डर्स को कैंसिल भी कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने शून्य ईएक्सी लॉगिन किया हुआ है। यहां से हम सबसे पहले जाएंगे ऊपर की ओर मेन्यू बार में बल्क ऑर्डर्स पर, और यहाँ पर हम जाएंगे बल्क ऑर्डर एंट्री पर। तो आप देख सकते हैं बल्क ऑर्डर एंट्री विंडो ओपन हो गई है। यहाँ हम एक एक करके सिंबल्स ऐड करेंगे। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर टाइप, प्रोडक्ट टाइप, क्वांटिटी और प्राइस डाल सकते हैं, और हर सिंबल की डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि वह सिंबल आपके बास्केट में आ जाए। यहाँ हम लिमिट ऑर्डर में ही सभी ऑर्डर्स लगाएंगे। यहाँ आप अनलिमिटेड सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ हमने अपने अकॉर्डिंग 4 सिंबल ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट ऑल पर टिक लगाएंगे, जिससे कि सभी सिंबल्स सेलेक्ट हो जाएं। उसके बाद हम एक्सपोर्ट टू सीएसवी पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी एक सीएसवी फाइल क्रिएट हो जाएगी और जिसके अंदर आपको यही सेम सिंबल्स दिखाई देंगे। यहाँ हम ऑर्डर्स नाम की फाइल सेव कर रहे हैं, तो आप देखेंगे सीएसवी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब हम वापस बल्क ऑर्डर एंट्री विंडो पर जाएंगे और ऑर्डर सबमिट करेंगे। उसके लिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। उसके बाद ऑर्डर्स का स्टेटस जानने के लिए ऑर्डर बुक में जाएंगे और पेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी चारों सिंबल्स में से 3 का स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है, और जब प्राइस हिट होगा तब यह ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब हम इन्हीं 3 ऑर्डर्स को कैंसिल बटन से एक एक करके कैंसिल करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे ऑर्डर्स कैंसिल भी हो गए हैं। उसके बाद हम अपना 4th ऑर्डर का स्टेटस चेक करेंगे रिजेक्टेड में, तो आप देख सकते हैं सर्किट लिमिट के कारण यह ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है। तो इसके लिए अब हम जाएंगे सीएसवी फाइल पर जो हमने एक्सपोर्ट करी थी। यहाँ हम लिमिट प्राइस में प्राइस को चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस सीएसवी फाइल में आपको किसी भी स्क्रिप्ट के टोकन नंबर को नहीं चेंज करना है। प्राइस चेंज करने के बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे। उसके बाद सेव की गई फाइल को हम ब्राउज करके इंपोर्ट करेंगे और अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे सिंबल्स बास्केट में आ गए हैं और आइडिया में चेंज की गई प्राइस वैल्यू भी चेंज दिखाई दे रही है। अब हम सेलेक्ट ऑल पर टिक लगाएंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। उसके बाद ऑर्डर का स्टेटस जानने के लिए हम ऑर्डर बुक में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे चारों ऑर्डर्स का स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है, और जब प्राइस हिट होगा तो यह ऑर्डर्स एग्जीक्यूट भी हो जाएंगे। उसके बाद हम एक एक करके इन चारों ऑर्डर्स को कैंसिल बटन से कैंसिल करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे ऑर्डर्स कैंसिल भी हो गए हैं।
और स्टेटस में कैंसल्ड भी दिखाई दे रहे हैं। तो यह था एक ब्रीफ ओवरव्यू कि कैसे आप शून्य ईएक्सी से बास्केट यानी बल्क ऑर्डर लगा सकते हैं और साथ ही पेंडिंग ऑर्डर्स को कैंसिल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस प्लीज कॉन्टेक्ट अस।